हमें पता है कि ये जो धरती है यह सूरज के चारों तरफ घूम रही है, तो यहां पर ये जो धरती है इसे हम कहते हैं कि यह एक प्लैनेट है। और बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जो कि धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं, और उन सारे बॉडी को जो कि धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं उन्हें हम कहते हैं कि यह एक सैटेलाइट है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो ये जो चंद्रमा है ये धरती के चारों तरफ घूम रही है, तो यहां पर ये जो चंद्रमा है यह एक सैटेलाइट है। यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो चंद्रमा है यह एक नेचुरल सैटेलाइट है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है यह नेचुरली बना हुआ है। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट को हम सेंड करते हैं और उन्हें जो है हम अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करवाते हैं एक ऑर्बिट में, तो वहां पर वे बॉडी जो कि हम सेंड करते हैं, हम बना करके सेंड करते हैं, तो उन सारे बॉडी को हम कहते हैं कि वह एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। तो आज के इस वीडियो में जो है हम एक सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम पीरियड पता करेंगे। तो यहां पर जो हम प्लैनेट कंसिडर करेंगे वो होगा अर्थ। तो ये है अर्थ मान लेते हैं। हमने ये मान लिया कि ये जो अर्थ है इसका जो मास है यह है कैपिटल एम, और इस अर्थ का जो रेडियस है वो हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है यह है कैपिटल आर। सो इसका रेडियस है अर्थ का कैपिटल आर। अब हमने ये मान लिया कि एक सैटेलाइट है जो कि इसके अबाउट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहां पर यह हो गया सैटेलाइट जो कि इस ऑर्बिट में, यहां पर इस ऑर्बिट में कुछ ऐसे ये घूम रहा है, और जिस स्पीड से ये घूम रहा है उसी स्पीड को हम कहते हैं कि वह है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेसिकली जो हम पता करेंगे वो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, तो जिसे कि हम स्पीड कह सकते हैं। तो यहां पर वही होगा जिस स्पीड से ये घूमेगा वही होगा इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हमने ये मान लिया कि ये जो ऑर्बिट है इसका अर्थ के सरफेस से जो हाइट है वो हमने मान लिया वो हाइट जो है वो है एच। सो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो हाइट है यह है एच। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो हाइट होगा, यहां पर ये जो आपको सैटेलाइट दिख रहा है इसका जो हाइट होगा अर्थ के सेंटर से, या कहें तो अर्थ के सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आर प्लस एच, क्योंकि इतना आर है और इतना एच है दोनों को जोड़ दे तो ये होगा टोटल लेंथ अर्थ के सेंटर से लेकर के इस प्लेनेट तक जो कि होगा आर प्लस एच। तो ये हो गया आर प्लस एच। तो अब यहां पर हमने ये मान लिया कि इसका जो मास है, इस सैटेलाइट का जो मास है वो हमने मान लिया वो है स्मॉल एम। चलिए यहां पर इसका जो मास है इस सैटेलाइट का वो हमने मान लिया वो है स्मॉल एम, और ये घूम रहा है, इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है अभी यहां पर मान लेते हैं कि इसका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा जो कि हम मान लेते हैं वह है वी नॉट। सो ये वेलोसिटी है वी नॉट। अब अगर ये सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस पर एक्ट करेगा एक सुडो फोर्स जो कि होगा यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो यहां पर ये जो फोर्स होगा ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहां पर इस सैटेलाइट का जो मास है एम इनटू यहां पर जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है जो कि है वी नॉट उसका स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है उसका रेडियस। यहां पर ये जो ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है आर प्लस एच। तो यहां पर ये होगा आर प्लस एच। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लग रहा है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, यहां पर जो अर्थ है इसे अपनी तरफ जो है खींच रहा है, सो इस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है अंदर की तरफ। तो यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमने मान लिया कि यह है एफ जी। सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितना होगा, तो यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एफ जी ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू यहां पर ये जो अर्थ है उसका मास इनटू यहां पर ये जो सैटेलाइट है उसका मास जो कि है स्मॉल एम डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो सैटेलाइट है उसका अर्थ के सेंटर से जितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहां पर डिस्टेंस है आर प्लस एच तो इसका स्क्वायर, तो यहां पर हो गया आर प्लस एच का स्क्वायर। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर ये सैटेलाइट
इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसे बराबर होना होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के, तब जाकर के ये इसमें हमेशा घूमता रहेगा। तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट है ही, किसी तरह से अगर फोर्स भी बराबर हो जाएगा तो ये जो है इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, यहां पर ये घूमेगा। तो यहां पर जो है ये सैटेलाइट वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स बराबर होगा इसके। सो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी, ये बराबर होगा यहां पर एफ जी के। तो अब यहां से वैल्यू को पुट करते हैं, तो यहां पर ये जो एफ सी है इसका जो वैल्यू है यह है एम वी नॉट स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आर प्लस एच, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर इस फोर्स के। सो जी इंटू अर्थ का मास इंटू सैटेलाइट का मास डिवाइडेड बाय यहां पर जो सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो आर प्लस एच का यहां पर हो गया स्क्वायर। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर ये जो स्मॉल एम आपको दिख रहा है वो इस स्मॉल एम को कैंसिल कर देगा, और यहां पर ये जो आर प्लस एच है वो यहां पर एक आर प्लस एच को कैंसिल कर देगा। तो अब हमें यहां से आगे मिलेगा ये जो वी नॉट है, ये जो वी नॉट है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है, बेसिकली हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता करें तो ये स्पीड होगा। सो ये जो वी नॉट है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहां पर ये होगा जी इंटू इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा आर प्लस एच। तो यहां पर अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा वी नॉट, तो यहां पर लग जाएगा एक स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर रूट में होगा। तो यहां पर ये हो गया किसी सैटेलाइट के लिए किसी ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फार्मूला होता है वो। यहां पर ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि स्मॉल एम कैंसिल हो चुका है, यहां पर स्मॉल एम अपीयर नहीं कर रहा है, स्मॉल एम कैंसिल हो चुका है। तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में दो सैटेलाइट हैं, एक का मास यहां पर ज्यादा है और एक छोटा सा है जिसका कि मास कम है। दो सैटेलाइट हैं, दोनों का मास देखें तो वो अलग अलग है, तो दोनों ही सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से जो है इस ऑर्बिट में घूमेगा, क्योंकि ये जो है सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास चाहे कुछ भी हो इन दोनों सैटेलाइट का, लेकिन दोनों ही सैटेलाइट सेम ऑर्बिटल वेलोसिटी से ये मूव करेगा। तो यहां पर सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किस पे करता है, तो ध्यान से देखें, तो यहां पर ये जो आपको टर्म दिख रहा है इतना ये टर्म, ये तो एक कॉन्स्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहां पर एच है। एच क्या है, ये एच अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट का हाइट है। तो यहां पर एच जितना ज्यादा होगा, आप अर्थ के सरफेस से जितना दूर जाएंगे उतना एच का वैल्यू ज्यादा होगा, और एच जितना ज्यादा होगा सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो उतना कम होगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है। अब हम जो है इस फॉर्मूले को एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो ऑर्बिट है इसके हर एक पॉइंट में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो है जी डैश, और यहां पर ये जो अर्थ है, अर्थ का ये जो सरफेस है, यहां पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ये है जी। तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो जी डैश है, ये जो जी डैश है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो पॉइंट है इसका अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो, तो वो जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस एच, तो उसका स्क्वायर हमें करना होगा। तो यहां पर ये होगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ये इसके बराबर क्यों होता है, हमने एक वीडियो में काफी डिटेल में चर्चा किया है, हमने इसे डिराइव किया है, जिस वीडियो में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के साथ इंटररिलेट किया था, जिस वीडियो में हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन पता किया था, उसी वीडियो में ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगा। तो मैं
उस वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ पर सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूँ, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, तो हो सके तो आप वहां से क्लिक करके देख लें और अपना डाउट जो है वो क्लियर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया जी डैश। अब यहां पर ये जो जी डैश है, अगर हम इसके साथ इसे लिखते हैं, हम यहां पर इसे भेज देते हैं जी डैश के साथ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो जीएम होगा ये बराबर हो जाएगा जी डैश इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर। हम कर ही सकते हैं, यहां से हम कर सकते हैं कि ये जो जीएम है ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर ये बराबर हो जाएगा जी डैश फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हम कर सकते हैं। तो फिर यहां पर ये जो जीएम है इसका वैल्यू जो कि इसके बराबर हो रहा है, तो हम यहां से ये वैल्यू जो है यहां से ये वैल्यू हम रख देंगे यहां पर। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से हमें आगे मिलेगा क्या मिलेगा हमें आगे यहां से, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी नॉट, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वी नॉट, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जीएम के जगह पर तो हम ये लिख रहे हैं, तो यहां से ये हो जाएगा जी डैश ब्रैकेट में होगा यहां पर आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां पर ये आर प्लस एच। तो अब देखें यहां पर ये जो आर प्लस एच है वो एक आर प्लस एच को कैंसिल कर देगा, तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो वी नॉट है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ जी डैश फिर ब्रैकेट में आर प्लस एच। सो ये हो गया यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। तो यहां पर जो है हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में जो है रिप्रेजेंट कर लिया है। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और हम एक स्पेशल केस देखेंगे, वो क्या है कि अगर ये सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज चक्कर मारे तो फिर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा सैटेलाइट का वो कितना होगा। तो हमें लिखना होगा कि फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ। तो उस केस में अगर आप देखें तो जब हम सैटेलाइट को जो है अर्थ के बहुत करीब मानेंगे तो उस केस में ये जो एच है ये बहुत छोटा होगा आर के कंपेयर में। हम कह सकते हैं कि इस केस में जो आर है जो कि अर्थ का रेडियस है ये बहुत बड़ा होगा एच से, क्योंकि हम बहुत क्लोज हैं अर्थ के सरफेस के, तो हम आर को एच के कंपेयर में बहुत 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 बड़ा मान सकते हैं। तो हम उस केस में ये जो एच है इसे हम यहां पर निग्लेक्ट कर देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो घटता चला जाता है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं अर्थ के सरफेस के क्लोज आते हैं वैसे वैसे ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो बढ़ता जाता है। तो जब हम अर्थ के बहुत क्लोज आ जाएंगे तो उस केस में ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो अब जी डैश नहीं होगा बल्कि वो हो जाएगा जी। सो इस केस में हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो जी डैश है ये बराबर हो जाएगा जी के। तो फिर हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा सैटेलाइट का इस केस में वी नॉट ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम यहां से कह सकते हैं इसी फार्मूले से हम कह सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि हम यहां पर h को जो है निग्लेक्ट कर दे रहे हैं और g डैश को हम कर देंगे यहां पर g के बराबर। तो यहीं से हम लिख देंगे कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा इस केस में वो होगा यहां पर g इंटू आर के। तो यहां पर ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी कब, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होगा तब। यहां से हमें पता है कि ये जो आर है ये क्या है, ये अर्थ का रेडियस है। यहां से हमें पता है कि ये जो आर है जो कि अर्थ का रेडियस है ये बराबर होता है 6400 किलोमीटर। और इसी को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये बराबर हो जाता है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर के।
और ये जो जी है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है अर्थ के सरफेस के आसपास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। अब हम अगर इन वैल्यू को जो है यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो अब यहां से हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को पता करेंगे, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कि होगा यहां पर वी नॉट, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर ये जो आपको जी दिख रहा है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका की वैल्यू है यहां पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, इनटू यहां पर ये जो अर्थ का रेडियस है वो जो कि है यहां पर 6.4 इनटू 10^6 मीटर के। तो अब यहां पर अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये बराबर होगा यहां पर 8 इंटू 10^3 मीटर पर सेकंड के, और इसी को जो है हम किलोमीटर में लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा लगभग, ये बराबर होगा, मैं आपको बता दूं कि ये लगभग है, सो ये लगभग बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, लगभग ये होगा 8 किलोमीटर पर सेकंड के। तो अर्थ के जो बहुत आसपास हैं सैटेलाइट जो कि घूम रहे हैं उनका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है वो होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस वीडियो में अभी हम पता करेंगे टाइम पीरियड को। तो एक सैटेलाइट किसी प्लेनेट के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है हम कहते हैं कि वह है उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड। अगर यहां पर ये जो सैटेलाइट आपको दिख रहा है यहां से स्टार्ट करता है घूमना और ये ऐसे घूमते हुए इस सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से घूमते हुए और फिर जो है ये वापस इसी जगह पर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इसका एक चक्कर पूरा हो गया। तो एक चक्कर लगाने में ये सैटेलाइट जितना टाइम लेगा हम कहेंगे कि वही है इसका टाइम पीरियड, और हमें टाइम पीरियड को ही यहां पर पता करना है। तो टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड ये बराबर होता है जितना पाथ को ट्रेवल करता है, सो यहां मैं लिख दे रहा हूं यह है पाथ डिवाइडेड बाय जिस वेलोसिटी से यह ट्रेवल करता है, तो यहां पर मैं स्पीड लिख देता हूं वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो। तो अब यहां से यह बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर यह जो आपको सर्कुलर पाथ दिख रहा है ये जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर है, तो ये जो सर्कुलर है ऑर्बिट उसका जो पाथ होगा वो इसी सर्कमफेरेंस होगा जो कि होगा यहां पर 2 पाई इंटू इसका जो रेडियस है वो। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर प्लस एच, तो यहां पर हो गया आर प्लस एच डिवाइडेड बाय यहां पर जो है जिस स्पीड से ये घूम रहा है जो कि है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहां पर हम लिख देते हैं वी नॉट। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये जो टाइम पीरियड आपको दिख रहा है चलिए इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर टी से टाइम पीरियड को। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस एच डिवाइडेड बाय, हम क्या करेंगे, हम यहां पर वी नॉट जो है जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है इसके जगह पर हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो आर प्लस एच है ये ऊपर चला जाएगा, तो हम यहां से कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ, हम आर प्लस एच को ऊपर लिखेंगे आर प्लस एच, और यहां पर ये होगा डिवाइडेड बाय जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इनटू यहां पर ये जो अर्थ है इसका मास। तो अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होगा ये बराबर होगा 2 पाई और ये जो आपको आर प्लस एच दिख रहा है जब हम इसे जो है स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर, और यहां पर एक आर प्लस एच पहले से ही है तो उसके साथ जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा आर प्लस एच का क्यूब, तो यहां पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो जीएम है वो। तो यहां पर हमें मिला कि एक सैटेलाइट का
जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है। सो उसके लिए ये रहा फार्मूला। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ व सिर्फ यहां पर एच पे डिपेंड कर रहा है। एच क्या है? ये एच जो है अर्थ के सरफेस से हाइट है, तो यहां पर सिर्फ एच पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो एच है ये जितना ज्यादा होगा टाइम पीरियड जो है सैटेलाइट का उतना ज्यादा होगा। तो ये तो हो गया कब, जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर होगा तब। अगर आप चंद्रमा को देखते हैं जिसका कि अर्थ से जो डिस्टेंस है वो है 384,400 किलोमीटर, ये बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो चंद्रमा का टाइम पीरियड है वो भी बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमा के लिए टाइम पीरियड होता है वो होता है 27 दिन और 7 घंटा। चंद्रमा जो है वो धरती के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है वो लेता है 27 दिन और 7 घंटा। 27 दिन 7 घंटे में चंद्रमा जो है वो धरती का एक चक्कर लगा लेता है। ये तो हो गया चंद्रमा की बात, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, जो कि अर्थ के बहुत 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 क्लोज जो है वो घूम रहा है। तो हम अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइम पीरियड को पता करेंगे जो कि अर्थ के बहुत क्लोज है। फॉर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ। तो इस केस में जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो आर है अर्थ का जो रेडियस है ये एच से जो है ये बहुत ज्यादा होगा। सो एच से ये बहुत ज्यादा होगा, और हम ये मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस के आसपास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो है यहां पर जी। सो हमें कंसिडर करना होगा इस केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है यहां पर जी। और हम इस केस में हम ये जो एच है ये बहुत छोटा है आर के कंपेयर में, तो हम यहां से इसे कर देंगे निगलेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें क्या मिलेगा सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड जो कि अर्थ के बहुत क्लोज है उसके लिए? तो जो टाइम पीरियड होगा टी ये बराबर होगा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर। तो ये जो एच है इसे तो हम कैंसिल कर देंगे, हम इसे निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ हमें मिलेगा आर क्यूब। तो यहां पर हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय यहां पर ये होगा जीएम। सो हम जीएम के जगह पर देखें क्या लिख सकते हैं, चलिए मैं यहां पर अभी लिख दे रहा हूं, ये है जी इंटू एम। तो अब देखें ये जो जी आपको दिख रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा यहां पर? ये जो जी है ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू यहां पर ये जो कैपिटल एम है ये डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो जीएम होगा जीएम ये बराबर होगा जी इनटू आर स्क्वायर के। तो हम यहां पर ये जो आपको जीएम दिख रहा है इसके जगह पर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर हमें लिखना होगा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो जी आर स्क्वायर है ये। तो अब देखिए आप यहां पर ये जो आर स्क्वायर है यहां पर दो आर को कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ यहां पर अब एक आर बचेगा। तो यहां से हमें ये मिला कि ये जो टाइम पीरियड है टी ये बराबर होगा टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय जी के। तो ये हो गया टाइम पीरियड कब, जब सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज होगा तब के लिए। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि जो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत क्लोज घूम रहा है उसका आखिर टाइम पीरियड है कितना। यहां से हम पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमें जो है अर्थ का रेडियस भी पता है और साथ ही साथ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ के सरफेस में वो भी पता है उसका वैल्यू। सो यहां से हम आगे लिखेंगे कि टी जो कि टाइम पीरियड है ये बराबर हो जाएगा 2 पाई
स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ ये आर, ये क्या है, ये है अर्थ का रेडियस। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अर्थ का रेडियस जो होता है ये होता है, यहां पर ये जो अर्थ का रेडियस है ये होता है 6.4 इंटू 10^6 मीटर के, और साथ ही साथ यहां पर ये होगा डिवाइडेड बाय ये होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड के। तो अगर आप इसे जो है सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो टाइम पीरियड है ये लगभग यहां पर बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5075 सेकंड के। और अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग बराबर होगा, ये लगभग बराबर होगा 84 मिनट्स के। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड है वो बहुत कम है। दैट मीन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेता है वो सिर्फ 84 मिनट लेता है। इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो कि अर्थ के बहुत क्लोज घूम रहे हैं वे सारे सैटेलाइट एक दिन में 10 से 20 चक्कर लगा सकते हैं, इतना कम टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि अर्थ के बहुत क्लोज है इसीलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम ग्रेविटेशन के किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।